एक मिनट सहर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई थी। कोई बात नहीं, अब मैं तो जा रही हूँ। आपका बेटा आपको खैरात में देंगे, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। मुझे इस बात का एहसास हो गया वफा कि असद तुम्हारे बगैर वाकई नहीं रह सकता। तुम ये घर छोड़कर मत जाओ, और रही मिलकी की बात, तो वो इस घर में तुम्हारे साथ रह सकता है जैसे तुम चाहो। और अगर मुझसे कोई खता हो गई है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी बात, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। आप क्यों असद के सामने इस तरह मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? सहर, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर तुम घर से चली जाओगी तो मेरा बेटा भी मुझसे जुदा हो जाएगा। तुम कहो तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ की जगह, और माँ सिर्फ गुस्सा नहीं करती अपने बच्चों पे, बल्कि उनसे मोहब्बत भी करती है। अरे माँ तो सर का ताज होती है, माँ से माफिया नहीं मंगवाई जाती। मैं तो अपने बच्चों को देख कर जीती हूँ। असद बेटा, अगर तुम लोग छोड़ के चले गए तो मैं जी कर क्या करूंगी? तुम भी मुझे माफ कर दो बेटा। अरे मम्मी नहीं, मम्मी प्लीज, प्लीज मम्मी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं मम्मी।